हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप सो अच्छे होंगे। दोस्तों अगर आप भी अपने फ़ोन से कुछ इस तरह का पोस्टर डिज़ाइन करना चाहते हैं गणतंत्र दिवस का, तो बहुत ही आराम से बना सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको इस वीडियो को शुरू से अंत तक बहुत ही अच्छे से देखना है, ताकि आप ऐसे पोस्टर खुद से डिज़ाइन कर सको। दोस्तों इसका PLP फाइल मैं आपको दे दूंगा। PLP फाइल में पासवर्ड लगा होगा और पासवर्ड आपको इसी वीडियो में दो स्टेप में देखने को मिलेगा। तो इसीलिए वीडियो को शुरू से अंत तक बहुत ही अच्छे से देखिएगा, ताकि आपको PLP फाइल का पासवर्ड मिल जाए और जिप फाइल को आप अनजिप कर सके। दोस्तों ऐसे पोस्टर बनाने के लिए आपको अपने फ़ोन में एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, जिसका नाम है पिक्सल लैब। पिक्सल लैब एप्लीकेशन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। प्ले स्टोर पर भी आपको बहुत ही ईजिली मिल जाएगा। चलिए दोस्तों समय न गवाते हुए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट आपसे करना चाहूँगा, अगर आप पहली बार हमारे चैनल में आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो नोटिफिकेशन के द्वारा आपके पास सबसे पहले पहुँचे। और दोस्तों वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों करते हैं यहाँ से वीडियो को कंटिन्यू। दोस्तों अपने फ़ोन में पिक्सल लैब एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद जैसे ओपन करेंगे तो न्यू में आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। बीच में दिखेगा कुछ इस तरह का न्यू टेक्स्ट। सबसे पहले यहाँ से आपको न्यू टेक्स्ट को डिलीट कर लेना है। न्यू टेक्स्ट को डिलीट करने के लिए लेफ्ट साइड में ऊपर एक डिलीट का बॉक्स बना हुआ है, इस पर क्लिक करके यहाँ से ओके कर देंगे, ये डिलीट हो जाएगा। दोस्तों उसके बाद मैं जो PLP फाइल दूंगा उसको ओपन करना है। दोस्तों अगर आपको PLP फाइल डाउनलोड करने नहीं आता, ओपन करने नहीं आता और पिक्सल लैब एप्लीकेशन में ऐड करने नहीं आता, तो इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा, उस वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा। चलिए यहाँ से मैं अपना PLP फाइल ओपन कर लेता हूँ। PLP फाइल ओपन करने के लिए राइट साइड में सबसे ऊपर 3 डॉट पर क्लिक करेंगे, सबसे नीचे से तीसरे नंबर ओपन PLP फाइल पर जाएंगे। जैसे ओपन PLP फाइल पर जाएंगे दोस्तों, तो कुछ इस तरह का इंटरफेस वहाँ आपको देखने को मिलता है, अगर आप अपने पिक्सल लैब एप्लीकेशन में PLP फाइल ऐड करोगे तो। दोस्तों यहाँ से आपको जिसका पोस्टर या बैनर डिज़ाइन करना है उसको सेलेक्ट कर लेंगे। एक बार ओके करके हम कुछ इस तरह से एक बार बैक आ जाएंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा PLP फाइल कुछ इस तरह से ओपन हो चुका है। दोस्तों अगर आप इसमें कुछ भी एडिट करना चाहते हैं आप अपने हिसाब से, तो बहुत ही ईजिली कर सकते हैं। जैसे कि अपना फ़ोटो लगा सकते हैं, अपना नाम लिख सकते हैं और साथ में अपने सोशल मीडिया का यूज़र नेम दे सकते हैं, जैसे कि फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, यूट्यूब इसका। दोस्तों आप अपना फ़ोटो कैसे लगाएंगे? दोस्तों आपको अपना फ़ोटो PNG लगाने से पहले जो फ़ोटो PNG इस PLP फाइल पर लगा होगा पहले से, उसको आपको डिलीट करना है। उसको डिलीट करने के लिए कुछ इस तरह से हम फोटो PNG को सेलेक्ट कर लेंगे, लेफ्ट साइड में ऊपर डिलीट का बॉक्स बना हुआ है, इस पर क्लिक करके यहाँ से ओके कर देंगे, ये फोटो PNG यहाँ से डिलीट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों जो फोटो PNG आप अपना लगाना चाहते हैं उसको सेलेक्ट करने के लिए लेफ्ट साइड में सबसे ऊपर प्लस के आइकन पर क्लिक कर लेंगे, सबसे नीचे से दूसरे नंबर फ्रॉम गैलरी में जाएंगे और गैलरी में से अपना फोटो PNG सेलेक्ट कर लेंगे। कुछ इस तरह से दोस्तों हमने एक फोटो PNG अपना सेलेक्ट कर लिया है। इसको मोटे वाले बिंदु पे दोस्तों टैप करके हम कुछ इस तरह से क्रॉप कर लेंगे अपने फोटो को। अगर आपको भी अपने फोटो को क्रॉप करना है तो कुछ इस तरह से कर लेंगे और नीचे से कर देंगे राइट। जैसे राइट करेंगे तो कुछ इस तरह से आपके स्क्रीन पे आ जाएगा। इसको मोटे वाले बिंदु पे टैप करके दोस्तों कुछ इस तरह से हम छोटा कर लेंगे और फोटो PNG पे टैप करके जहां आपको अपना फोटो PNG लगाना है कुछ इस तरह से यहां पे ले आएंगे और यहां पे आप अपने हिसाब से अपने फोटो PNG को एडजस्ट कर लेंगे छोटा बड़ा करके। दोस्तों देख सकते हैं जैसे मैं कर रहा हूँ कुछ इस तरह से। जैसे दोस्तों आपका फोटो PNG कुछ इस तरह से परफेक्ट फिट हो जाएगा, उसके बाद दोस्तों नाम चेंज करने के लिए नाम वाले ऑप्शन पर जाएंगे, डबल टैप करके यहाँ से सबको बैक कर देंगे। जो भी आपका नाम होगा दोस्तों कुछ इस तरह से आप अपना नाम यहाँ पे लिख लेंगे। दोस्तों इनका नाम है दिनेश लाल यादव, तो कुछ इस तरह से इनका नाम मैं यहाँ पे लिख दूंगा और नाम लिखने के बाद दोस्तों राइट साइड में सबसे ऊपर ओके कर देंगे। जैसे ओके करेंगे तो यहाँ पे आपको अपना नाम कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएगा। दोस्तों आप अपने नाम को छोटा बड़ा करके कुछ इस तरह से यहाँ पे फिट कर लेंगे इस बॉक्स के अंदर, ताकि आपको अच्छे से अपना नाम दिखे। उसके अलावा अगर आप अपने सोशल मीडिया का कुछ भी यूज़र नेम देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। उसके लिए दोस्तों सेम इसी तरह से आपने सोशल मीडिया का यूज़र नेम जो दिया हुआ दोस्तों वहाँ पे जाएंगे, डबल टैप करके यहाँ से सबको बैक कर देंगे। जो भी आपके सोशल मीडिया का यूज़र नेम होगा दोस्तों कुछ इस तरह से टाइप कर लेंगे और राइट साइड में सबसे ऊपर ओके कर देंगे, तो यहाँ पे आपको अपने सोशल मीडिया का यूज़र नेम देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों देख सकते हैं आप कम्प्लीटली हमारा गणतंत्र दिवस का पोस्टर बनके तैयार हो चुका है। इसके अलावा अगर दोस्तों आप कुछ इस पोस्टर में एडिट करना चाहते हैं, वो करने के बाद इसको आपको अपने गैलरी में सेव कर लेना है। दोस्तों गैलरी में सेव करने के लिए सबसे ऊपर एक शेयर का ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा।
बीच में दिखेगा आपको कस्टम, कस्टम पे क्लिक करके सबसे नीचे अल्ट्रा कर लेंगे और यहाँ से कर देंगे सेव टू गैलरी। जैसे सेव टू गैलरी करेंगे तो ये पोस्टर बनके आपके गैलरी में सेव हो जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।